हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय शिव शक्ति। मैं हूँ डॉक्टर खुशी। तो स्टार्ट करते हैं आपका दिस वीक का राशिफल जो रहेगा मेष से लेके मीन राशि तक। चलिए जानते कि आपके लिए दिस वीक कैसा रहने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं आपके लिए सबसे पहली राशि जो है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए दिस वीक आपका काफ़ी ज़्यादा जो है काम के लिए आगे बढ़ते हुए चीज़ें दिखाई दे रही। अगर रिलेशनशिप में कुछ इशू हो गए, कुछ ऐसी कंडीशन थी कि जहाँ पे आपने एक फाइनल डिसीजन ले लिया था कि अभी आप चीज़ें ख़त्म करेंगे, तो ऐसी चीज़ें दिखाई देती दे रही कि आपके रिलेशनशिप में कुछ नई चीज़ें, एक अच्छी सी बोलते ना कि एक लव कम्युनिकेशन, एक लव कंडीशन आगे बढ़ती हुई दिखाई देती दे रही। एक काम को लेकर तेज़ी आपके पास रहेगी, काम अच्छे तरीके से आपके पास आएगा, एक प्रैक्टिकल होकर काम करेंगे, अच्छा वर्क करेंगे, अपने काम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अपनी जर्नी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ें आपकी दिखाई दे रही। आपके लिए कुछ डेस्टिनी चेंज होती हुई दिखाई दे रही, जिसके वजह से कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जो है बदलाव ज़रूर लाएंगे, जिसके कारण आप बदलाव के कारण अपने कुछ चीज़ें कुछ नई तरीके से ढालती हुई चीज़ें दिखाई देती देगी। ट्रैवल हो सकता है, कहीं बाहर जाना हो सकता है, कहीं बाहर ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हैं, ये वाली कंडीशन दिखाई देती दे रही दिस वीक के लिए। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या रहेगा, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल्स का मैसेज आपके लिए क्या रहेगा। तो चीज़ें दिखाई देती दे रही कि आपको आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। एंड आपको जैसे बोलते ना कि ओनली प्यार के बारे में भी नहीं सोचना है, जैसे बोलते ना कि आप प्यार के बारे में कुछ ज़्यादा सोच रहे हो, उनके बारे में नहीं सोचना है, आप अपने बारे में जानना है, अपने आप को परखना है, अपने आप को समझना है। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर करनी है। आप किसी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेगा तो आपकी सारी चीज़ें जो है ठीक हो जाएंगी। तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा मेष राशि वाले दिस वीक आपका कैसा रहा। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर जो है वृषभ राशि वाले। वृषभ राशि वालों के लिए दिस वीक कुछ प्रैक्टिकल से ज़्यादा इमोशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते दे रहे, थोड़ा लेजीनेस होगी, फाइनेंशियल को ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, अपने काम से काम रखेंगे, बहुत सारी चीज़ें अपने मन में दबा के रखेंगे, डिस्कशन किसी के साथ करने का आपका मन नहीं दिखाई देते दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आपकी दिखाई दे रही कि आप बहुत ज़्यादा दिखे स्ट्रिक एंड किसी का मन दुखाने के लायक ऐसी बातें बोल सकते हैं, तो ये चीज़ें ना करें। ट्रैवलिंग ज़्यादा दिखाई देते रहे, कहीं बाहर ज़्यादा जाएंगे, अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों में थोड़े से ज़्यादा रहेंगे, कुछ नए काम की शुरुआत आपकी हो सकती है, न्यू अपॉर्चुनिटी आएंगी, पर काम जल्दबाजी में ना करें तो ठीक है, अपने काम में जल्दबाजी ना रखें तो बहुत ही ठीक है। अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अपने काम में कुछ ना कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें ज़रूर आएंगी जहाँ पर आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत आगे बढ़ते हुए भी नज़र आते दिखाई देते रहे। लव कम्युनिकेशन में, रिलेशनशिप में घर पे ध्यान रहेगा, फाइनेंशियल स्ट्रांग दिखाई देते रहे, फाइनेंशियल में ज़्यादा खर्च नहीं होगा, पर कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा जानने का समझने का टाइम आपके पास शायद ना हो, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या रहेगा। तो कुछ क्रिएटिविटी प्रोजेक्ट में आप दिखाई देते दे रहे हैं, एक कुछ गाइडेंस आपको अच्छे तरीके से मिलेगा, सबकी सुननी है और करना आपके मन की है, ये चीज़ें आपको करनी पड़ सकती है। अगर आप किसी की बातें सिर्फ सुनते रहेंगे और मतलब होता है ना कि बोलते रहेंगे सुनेंगे नहीं, तो चीज़ें थोड़ी सी खराब हो सकती है। तो सबकी सुननी है और पर कहीं ना कहीं अपने मन की चीज़ें जो है आपने करनी है आराम से, चीज़ें जो है ना आराम आराम से आपको दिस वीक में फॉलो करनी पड़ेगी, नहीं तो कहीं ना कहीं कंडीशन आपकी ख़राब हो सकती है। तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जो वृषभ राशि वाले लिख के भेजिए कि दिस वीक आपका कैसा रहा। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर जो रहेगा आपके लिए मिथुन राशि वाले। मिथुन राशि वाले जो है जैसे कि किंग ऑफ कप, जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन जो है ना, जो लाइफ में कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा जो है एकदम हाई एनर्जी पे दिखाई दे रही है, मीन्स कि कहीं ना कहीं आप लोगों से कम्युनिकेटेड ज़्यादा करोगे, आपके लोगों में चर्चा प्रशंसा ज़्यादा रहेगी। आप जहाँ पे अपने काम की कंडीशन रख रहे, जैसे कि फाइनेंशियल की कंडीशन रख रहे, जितने पैसे आ रहे उतने पैसे जो है आपके खर्च आपके खुद पे होते हुए दिखाई दे रहे। दिस वीक ऐसा रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा खर्चीले ज़्यादा रहेंगे, ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ इश्यू भी आ जाए, जिसके कारण आप जो भी काम करना चाहते थे आप काम नहीं कर पाएंगे, काम में थोड़ी सी इश्यू जो है दिखाई देती दे रही है। बाकी अदरवाइज चीज़ें जो है थोड़ा सा मूड ऑफ हो सकता है, कहीं किसी से ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करेंगे, किसी से ज़्यादा बात नहीं करेंगे,
थोड़ा सा स्ट्रिक्टली, थोड़ा सा एंगर, थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है। बड़े बुजुर्ग का मानना थोड़ा आपको ठीक लगेगा, थोड़े से कहीं ना कहीं उनके बातों पे या फिर उनके गाइडेंस पे आप चल सकते हैं। उनके गाइडेंस पे चलना आपके लिए काफ़ी बेटर साबित हो सकता है। बाकी अदरवाइज देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या कहना चाहते हैं। आपके लिए एनर्जी, जैसे कि आपकी जो भी एनर्जी काम कर रही है भी काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रही है, आपको कहीं ना कहीं कुछ नए साइंस ज़रूर मिलेंगे। और पहले से ही जैसे बोलते हैं कि जैसे कि आपने जैसे स्टार्टिंग से शुरुआत की हो, ऐसे स्टार्टिंग से शुरुआत आपको दिस वीक में करनी पड़ सकती है। तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा कि दिस वीक आपका कैसा रहा। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर, जो रहेगा आपके लिए कर्क राशि वाले। कर्क राशि वाले दिस वीक कहीं ना कहीं बाहर ट्रैवल पे जा सकते हैं या फिर प्लेस चेंज हो सकता है, कहीं बाहर जाने की कंडीशन आपकी होगी, कहीं बाहर का ट्रैवल आपके लिए हो सकता है, कहीं जहाँ पे भी है वहाँ से दूसरी जगह पे मूव ऑन आपको होना पड़ेगा। मूव ऑन की चीज़ें दिखाई देती है। बाकी अदरवाइज अगर चीज़ें देखी जाए तो आप अपने फंक्शन में कहीं बाहर जाते हुए दिखाई देते रहे, कोई नए काम की शुरुआत हो सकती है। जो भी काम का प्रोजेक्ट आपने लिया है वो काम का प्रोजेक्ट आपके बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा, पर हर काम में जल्दबाजी ना करें, आराम आराम तरीके से काम करें, क्योंकि जल्दबाजी में किया हुआ काम आपका हाथ से छूट सकता है। तो चीज़ें जल्दबाजी में ना करें और कुछ ऐसी चीज़ें ना करें कि हड़बड़ी में कि आपके हाथ से आपका नुकसान हो जाए, तो इन चीज़ों से आपको बचना होगा। चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या है, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो जैसे कि आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल आपका काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो कॉन्फिडेंस में आप रहेंगे ही रहेंगे। हर चीज़ को आप बोलते हैं ना कि अनदेखा ज़रूर करेंगे, और ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि रात के सोए हुए सपने पूरे कंप्लीट करो, तो आप ऐसे होगा कि आप दिन में सपने देखेंगे, मीन्स आपके साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, मीन्स ये हो गया कि आप ज़्यादा करके बोलते हैं ना कि थाट्स प्रोसेस ज़्यादा रहेंगे आपके। तो ये चीज़ें दिखाई देती रही। जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा और स्टडी वर्क कीजिए, और थोड़ा सा प्रोग्रामिंग काफ़ी अच्छे तरीके से करेंगे और अच्छे तरीके से उसमें काम कीजिए, तो सारी चीज़ें जो है बेटर हो जाएगी। तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा कि दिस वीक आपका कैसा रहा। शुरू करते अगली राशि की ओर, जो रहेगा आपके लिए सिंह राशि वाले। सिंह राशि वाले जो है कहीं ना कहीं अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हैप्पी दिखाई देते रहे, जो आप चीज़ें चाहते थे वो चीज़ें आपको मिलती हुई दिखाई देगी, आप कुछ नए काम की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। एक आपकी कुछ कोर्ट कचहरी या फिर कुछ और मामला अगर रहे हैं तो वो भी सॉल्व होने की कंडीशन आपकी हो सकती है। बाकी अदरवाइज चीज़ें ऐसी होगी कि आप बहुत ज़्यादा बोलते ना कि सराउंडिंग एनर्जी से कहीं ना कहीं फाइनेंशियल से काफ़ी जो बोलते ना कि अनस्टेबिलिटी चल रही थी, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिस वीक में रहेगी। कहीं ट्रैवल करने का मूवमेंट भी फिर से आ सकता है, रिसेंटली ऐसे प्लान बन सकते हैं कि कहीं आप बाहर जाके जो है ट्रैवल करें। आपके लिए चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या होगा, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं सिंह राशि वाले। तो आप जो भी काम कर रहे हो उसके ऊपर थोड़ा और वर्क कीजिए, फैमिली को टाइम ज़रूर दीजिए और बच्चों के साथ टाइम ज़्यादा एक्सपेंड कीजिए, तो ये चीज़ें आपको जो है ना आपकी क्रिएटिविटी में अपने काम के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए माइंड रिलैक्स करने के लिए ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा सिंह राशि वाले कि दिस वीक आपका कैसा रहा। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर, जो रहेगा आपके लिए कन्या राशि वाले। कन्या राशि वाले जो है अपने लाइफ को लेकर थोड़े से गोल को लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई देते दे रहे, फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा उनकी स्ट्रॉन्ग नज़र आती दिखाई देती दे रही है। लव कम्युनिकेशन में है तो लव कम्युनिकेशन आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी। शादी की बात जो चल रही है तो शादी की बात को लेके भी कंप्लीट एनर्जी दिखाई दे रही है। प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कुछ बात आपकी होगी घर पे, तो प्रॉपर्टी आपकी तरफ से कुछ आ सकती है, आपको आर्थिक लाभ ज़रूर होगा। फाइनेंशियल आपकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। आप कहीं ना कहीं थोड़े से हैप्पी एंड थोड़े से केयरलेस भी है, मतलब ध्यान नहीं दे रहे कि आप कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो इन चीज़ों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़्यादा आपका रहेगा। जो चीज़ें दिखाई देती दे रही है मान सम्मान लोगों में और आपके बोलते ना कि चर्चा काफ़ी अच्छे तरीके से होगी, बट खुद होके अपना नुकसान ना करें, खुद होके कहीं पे भी फाइनेंशियल कंडीशन से या फिर कुछ अच्छी जो हालत है उससे चीज़ें जो है आप ख़राब ना कीजिए, जिसके वजह थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या है, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो आपकी जो भी एनर्जी है जिसकी वजह से आप जो काम कर रहे हैं
वो चीज़ें ठीक है एंड डायरेक्शन आपका चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा वो जो है आपकी चीज़ें जो है ना थोड़ी सी बदल रही है, तो कुछ हालात जो बदल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शन चेंज भी होने का मौका ज़रूर मिलेगा। एक हाई एनर्जी पर्सनालिटी शो करती हुई दिखाई दे रही है, काफ़ी हाई एनर्जी आपके पास आती हुई दिखाई दे रही है। तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा कि दिस वीक आपका कैसा रहा। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर जो रहेगा आपके लिए तुला राशि वाले। तुला राशि वाले जो है कहीं ना कहीं अपनी एक ओवरऑल एनर्जी कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहे, कुछ चीज़ों में फंसे भी रहेंगे, कुछ चीज़ों में आपकी चीज़ों में रुकावटें भी दिखाई दे रही है, पर कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंशियल को लेकर अपने काम को लेकर काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग मोमेंट्स में रहेंगे। ये कंडीशन भी दिखाई देती दे रही है कि आपकी आपके कहीं ना कहीं एक जर्नी काम की जर्नी काफ़ी अच्छे तरीके से रहेंगी, आप लोगों में आपकी प्रशंसा रहेंगी, लोगों में आपके काम बढ़ते हुए दिखाई दे देते हैं, आपके काम की चर्चा भी रहेंगी। पर जहाँ पे आपके फाइनेंशियल कंडीशन की बात की जाए जितने पैसे आएंगे उतने पैसे आपके खर्च भी होते हुए दिखाई दे रहे, जिसके कारण आप थोड़े से चिंता में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे, ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके लिए एंजल्स मैसेज। एंजल्स मैसेज आपसे क्या कहना चाहता है, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है। तो क्रिएटिव आपको जो प्रोजेक्ट पे जो काम करना पड़ेगा, एक परफेक्ट टाइमिंग है आपको एक आगे बढ़ने के लिए, एक आगे लेके जाने के लिए, लोगों का प्रोत्साहन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा कि दिस वीक आपका कैसा रहा। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर जो रहेगा आपके लिए वृश्चिक राशि वाले। वृश्चिक राशि वाले दिस वीक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में होंगे, काफ़ी ज़्यादा परेशानी में होंगे एंड अपने फाइनेंशियल को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा जो है एक्शन में ज़्यादा रहेंगे। जहाँ तक ये आपकी कंडीशन रहेगी कि आपके फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, प्रॉपर्टी भी ज़्यादा आएंगी, पर कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होगी कि जिस कारण आपके जैसे बोलते ना कि कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल ज़्यादा खर्च करने का मन नहीं करेगा, कुछ नए काम को सीखने का मन कर सकता है, कहीं आगे बढ़ने का मन कर सकता है। लाइफ में जो पार्टनर आएगा उसकी तरफ ज़्यादा आपका अट्रैक्शन रहेगा, ज़्यादा अट्रैक्शन वाली एनर्जी नज़र आती दिखाई दे रही है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी बोलते ना कि वहाँ से आपको जो है थोड़ी कम करनी पड़ेगी। जहाँ तक देखा जा रहा है कि आपके लिए जो लव पार्टनर आने वाला है वो ठीक नहीं है, तो वहाँ से आपको जो है अपनी एनर्जी को जो है थोड़ा डिस्ट्रॉय करके अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा, जिसके कारण आप अपने काम से ज़्यादा करके बोलते ना कि ध्यान हटा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो रिलैक्स रहें, आपको जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सिचुएशन है आपकी, आपको सरेंडर करनी है एंड आपको जो है थोड़ा प्लेस चेंज करना होगा। आप जहाँ पे सोते हैं, आप जहाँ पे बैठते हैं, वहाँ से थोड़ा सा हटके कहीं दूसरी जगह पे आप काम कर सकते हैं, जिसके कारण आपकी सारी चीज़ें जो है ठीक हो जाएंगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा कि दिस वीक आपका कैसा रहा। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर जो रहेगा आपके लिए धनुराशि वाले। धनुराशि वाले जो है जैसे कि आपके लिए कंडीशन ऐसी दिखाई दे रही है कि आप न्यूट्रल रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा आप बोलते ना कि साइलेंट मोमेंट्स में हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटेड आप ना करें, अपने लाइफ की ग्रोथ में थोड़े से आगे बढ़ के काम कर सकते, कुछ आगे अपनी फ्यूचर को लेके काम कर सकते, जिसके वजह से थोड़े से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं रिसेंटली कंडीशन ऐसी रहेंगी कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, आप जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होके भी काम कर सकते, थोड़े पुराने चीज़ों को लेके याद करके रात में नींद नहीं आना, परेशान होना, ये चीज़ें आपकी हो सकती हैं। इमोशन थोड़े डाउन हो सकते हैं, पर कहीं थोड़े टाइम के बाद अपने इमोशन लेवल को काफ़ी अच्छे तरीके से बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल है तो इमोशन लेवल को बैलेंस भी कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम ऐसे लगे आपको मिल गया तो इमोशन थोड़े से डाउन हो सकते हैं। रिश्तों में कड़वाहट है, रिश्तों में थोड़ी सी सुधारना नहीं है दिस वीक में कहूँगी। उलझनें बढ़ती हुई दिखाई देती है, उलझनें बढ़ेगी भी, पर कहीं ना कहीं आप स्टेबल ज़रूर रहेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या है, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो आप जहाँ पे वहाँ से आप हटके काम करिए और ट्रस्ट कीजिए, आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा, आपको एक अच्छा सा मार्गदर्शन ज़रूर मिलेगा अपनी लाइफ को जीने के लिए, कहीं ना कहीं से आपको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प मिल सकती है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा धनुराशि वाले कि दिस वीक आपका कैसा रहा। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर जो रहेगा आपके लिए मकर राशि वाले। मकर राशि वाले जो है अपने एक ग्रोथ की तरफ, एक काम की तरफ, एक न्यू जर्नी की तरफ, अगर आपके प्रमोशन में डिले चल रहा था, प्रमोशन में आपकी प्रमोशन नहीं हो पा रही, तो वो तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, प्रमोशन हो जाएगा आपकी, अच्छे से काम की वर्किंग प्लेस भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। पर कहीं ना कहीं दिस वीक ऐसे हो सकता है कि आपकी हेल्थ इशू आपको परेशान करे, बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, रिलेशन
थोड़े वीक हो गए, रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो गए, रिलेशनशिप में हर्ट होने की वजह से अपने हेल्थ इशू ख़राब होने की वजह से थोड़ा काम में ध्यान नहीं दे पाएंगे, पर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल आपके स्ट्रांग रहेंगे, फाइनेंशियल में कुछ भी इशू नहीं रहेगा। फाइनेंशियल स्ट्रांग होने की वजह से आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नए जॉब के ऑफर आ सकते हैं, नए काम में आपका मन लग सकता है, नए काम की शुरुआत भी आपकी होगी। आप जहाँ पर भी हर्ट है, परेशान है या फिर जो भी टफ कंडीशन है, तो वो चीज़ें जो है आपकी ख़त्म हो जाएंगी। एंजल्स मैसेज जानते हैं आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या कहना चाहते हैं। तो आपके इसमें जो भी कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल तक है, तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को रुकने मत दीजिएगा। कहीं ना कहीं बच्चों के साथ समय बीतेगा जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ठीक लगे, एंड आपके जो सपने जो हैं, आप जो देख रहे हैं, वो सपने कंप्लीट होते हुए दिखाई देते धीरे। तो इसमें कहा जा रहा है कि आपके सपने जो भी है वो कंप्लीट हो गए। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा कि आपके लिए दिस वीक कैसा रहा। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर, जो रहेगा आपके लिए कुंभ राशि वाले। कुंभ राशि वाले जो है फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। फाइनेंशियल में काफ़ी बोलते ना कि जैसे अपने परिवार का ध्यान रखना, कुछ नई शुरुआत करना, कुछ पार्टनरशिप से शुरुआत करना, ये चीज़ें हो सकती हैं। कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन जो है काम में ज़्यादा रहेगी, कहीं ना कहीं आप अपने सर्वाइवर में ज़्यादा ढलते हुए दिखाई देते दे रहे। कुछ चीज़ों से मूव ऑन करेंगे, वहाँ से हटेंगे, कुछ आगे तरफ अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग रहेगी, पर कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि पारिवारिक जीवन या फिर अपने लोग आपको थोड़ा सा चिढ़ कर सकते, परेशान कर सकते, ये वाली चीज़ें रहेगी। तो अपने लोगों से बहुत ज़्यादा थोड़ा दूर रहे तो ठीक है, बाकी फाइनेंशियल कंडीशन दिस वीक में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। हेल्थ इशू आ सकती है, तो भी केयरफुल रहिएगा। बाकी आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या कहना चाहते हो देख लेते हैं। तो आपको जैसे आगे बढ़ना है एंड अपने लाइफ को एंजॉय करना है, किसी की तरफ ध्यान नहीं देना है, एंड खुद के तरफ जो है ट्रस्ट करके जो है आगे बढ़ना है। तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा कुंभ राशि वाले दिस वीक आपका कैसा रहा। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर, जो रहेगा आपके लिए मीन राशि। मीन राशि वाले काफ़ी सारे चीज़ों में फंसते हुए दिखाई देते रहे, फाइनेंशियल, फैमिली लाइफ एंड अपने खुद सेल्फ लव के बारे में भी, मतलब हर चीज़ आपकी जाते हुए दिखाई देते रही है, कुछ भी चीज़ आने का नाम नहीं दिखाई देती दे रही। कहीं किसी से हर्ट है, किसी से परेशान है, किसी ने आपको बुरा भला बोला है, ये वाली चीज़ें आपकी रहेगी। आप अपने काफ़ी काम में जर्नी में आगे बढ़ते रहेंगे, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी आएंगी, अच्छे तरीके से काम करेंगे, लाइफ के अच्छे तरीके से गोल को कम्प्लीट कर सकते हैं। अपने काम की एक मनी एनर्जी काफ़ी अच्छे तरीके से हाई लेवल पर आपकी हो सकती है, ये वाली चीज़ें देखी जा रही है। अगर आप काम पे ध्यान देंगे तो सारी चीज़ें बेस्ट है, पर जो घर वालों की चीज़ें जैसे बोलते हैं ना कि कोई अपना, कोई अपने पास का मेंबर आपको बोलते हैं फंसाते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आप काम नहीं कर पाओगे। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या कहना चाहता है, एंजल्स मैसेज आपके लिए क्या कह सकता है। तो जैसे कि बोलते हैं कि हर चीज़ें जो आप कर रहे हो, जो चीज़ें जितना आप अच्छे तरीके से उनको रखोगे, उतनी सारी चीज़ें आपको मिलेगी। एक आपके नए डिज़ायर, एक नए सपने को कंप्लीट करने वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। जहाँ से है वहाँ से थोड़े से हट के कुछ दूर रह के कुछ काम करने के बारे में सोचे तो सारी चीज़ें जो है ठीक हो जाएंगी। तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजेगा कि दिस वीक आपका कैसा रहा। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए एंड कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मैं ऐसे ही न्यू वीडियोस के साथ आपसे आती रहती हूँ, मिलती रहती हूँ, और ऐसे ही हमारी फैमिली जो है बढ़ती दिखाई देती दे रही है। 10,000 फॉलोवर्स होने वाले हैं, तो डेली लाइव आना स्टार्ट है। आप लाइव में आपके क्वेश्चंस के आंसर पूछ सकते हैं एंड डेली 7 बजे जो है आपके लिए लाइव क्लासेस होती है, लाइव रीडिंग्स होती है। आप अपनी एस्ट्रो रीडिंग्स भी करवा सकते हैं एंड टैरो रीडिंग भी करवा सकते हैं। साथ ही साथ 30 मिनट का सेक्शन होता है, 30 मिनट के सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर अदर कुछ ज़्यादा आपको पूछना है तो आप ज्वाइन बटन में क्लिक करके आपकी जो है आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं एंड आपने मुझे जो है अपने स्क्रीन के ऊपर जो दिया गया नंबर जो है इस पर अपने जैसे जो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करने के बाद वहाँ से स्क्रीनशॉट निकाल के आप मुझे भेज सकते हैं। प्राइज़ मनी ज़्यादा नहीं है, 159 प्राइज़ मनी है, तो आप ये कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। बहुत ही कम कंसल्टेशन फ़ी है, तो आपके सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चंस लिए जाएंगे, सवाल के जवाब आपको दिया जाएगा। तो प्लीज़ बुक कीजिए एंड ऐसे ही हम मिलते रहेंगे एक न्यू वीडियोज़ के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। नमस्कार।